सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा उनका जिनसे पूरा ऑकलैंड वाकिफ है, वो हैं KBS 1 के सुपरस्टार, KBS 2 के जज और KBS 3 के भी जज अब्बास मजर। जोरदार तालियां। और हमारे दूसरे जज हैं जिन्हें आप सब लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं कौन बनेगा सुपरस्टार में। ये हैं आशीष त्रिवेदी जी फ्रॉम NCBT कॉलेज। आशीष जी कौन बनेगा सुपरस्टार के साथ इतने अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, घुले मिले हुए हैं और इनका दिल जिगर जान सब कुछ फिल्म एंड टेलीविजन में है। इसीलिए इन्होंने एक नया कोर्स शुरू किया है फिल्म एंड टेलीविजन का। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं ये कोर्स फिल्म एंड टेलीविजन का, या आप लोग बनाना चाहते हैं करियर इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में, तो आप आशीष जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है बाहर ओवरसीज, इंडिया में या फिजी में या कहीं भी, और आप चाहते हैं कि वो न्यूजीलैंड में आके पढ़ाई करे, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आशीष जी को। तो जोरदार तालियां एक बार आशीष जी के लिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत मिस कर रहे हैं, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अरुण खोडकर जी की। अरुण खोडकर जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से वो आज यहां नहीं आए इन सिंगर्स को जज करने के लिए, क्योंकि कौन बनेगा सुपरस्टार अधूरा है अरुण खोडकर जी के बिना। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से ठीक होंगे और वापस आएंगे KBS में। और अब बारी आई है हमारे पहले सिंगर की, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। स्वागत कीजिए गुंचा का। Cheers.
एक सिमिलैरिटी नोट करिए, आपके जितने भी अब तक आपने गाने गाए हैं वो सारे मेल सिंगर्स के गाने गाए हैं, क्या वजह है? फीमेल भी थी बीच में, नहीं वो तो थोड़ी सी थी, बट ज़्यादातर मेल्स हैं ऐसे ही थोड़ा डिफरेंट। चलिए देखते हैं कि ये जो आपने डिफरेंस क्रिएट किया है वो हमारे जजेस को कैसा लगता है। जब स्टार्ट लिया आपने, मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा स्केल हाई ले लिया, बट ओवरऑल इट्स ए वेरी वेरी गुड सॉन्ग, और जो फील आपने बताया 100%। शुरू से मैं देख रहा हूँ कि यू आर वन ऑफ द सिंगर्स हु इज़ लाइक फुल्ली इन्वॉल्व विद योर सिंगिंग विद द कॉम्पिटिशन, राइट? सो यू आर एंजॉइंग योर सिंगिंग एंड इट्स ए वेरी गुड, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दो चीज़ मैंने मार्क की एंड प्रॉब्ली यू नो इट मेड सेंस व्हेन अब्बास सेड दैट इट वाज हाफ नोट प्रॉब्ली अप, क्योंकि जब आपने सेकंड जैसे अंतरा था उसमें तू से शुरू किया या और लास्ट में जब हो करके जो खत्म होता था वहाँ पे थोड़ा लगता था, बट अदरवाइज यू नो एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, मुझे तो बहुत मजा आया और क्या एक्सप्रेशंस, परफेक्ट।